तो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में तीन से ज़्यादा इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हो। जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है उसमें हम तीन से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते, और मैं आज आपको वही दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम तीन से ज़्यादा इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, मैं कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है वो है कि हमारा ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट होना चाहिए। आपके पास आपकी जीमेल है, इसमें साइन अप करें, ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट बनाएं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, ऐसा आपको दिखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे गाइस ये देखो, अगर आपका किसी दूसरे तरीके से खुल रहा है तो यहाँ पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से आप कोई भी चार्ट लगा सकते हो। यहाँ से मैं ITC ले लेता हूँ, तो ITC का चार्ट यहाँ पे, कि सारी वॉच लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने एक कंपनी ओपन करनी है, कोई भी कंपनी ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, कोई स्टॉक ले लो। तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है गाइस, सबसे पहले ये कुछ थोड़ा देखने में बेकार सा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो गाइस इसमें आपको किस में जाना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे। तो इसका जो बैकग्राउंड में लाइंस आ रही हैं पहले हम वो हटा देते हैं। तो ये आपने जाना है वर्ट ग्रिड लाइन में जाना है, यहाँ पे इसको वाइट पे सिलेक्ट कर देना है, कलर ओके कर देना है। फिर नीचे हॉरिजेंटल लाइन पे जाना है, यहाँ पे भी वाइट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। देन यहाँ पे ठीक है, सिंबल में जाएंगे, यहाँ पे आपको अगर कैंडल की बॉडी वगैरह का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बस इसलिए ये बताया कि पीछे जो बैकग्राउंड में लाइंस आ रही थी ये पूरा वाइट हो गया है, तो ऐसा चार्ट में देखने में थोड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है गाइस। उसके बाद जो मेन थिंग थी मैंने आपको बतानी थी कि मूविंग एवरेज तीन से ज़्यादा कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि जैसे हम तीन से ज़्यादा ये हमें वो मांगने लगता है, ठीक है गाइस। ये देखिए मैंने तीन से यहाँ पे क्या बता रहा है, राइट नाउ योर प्लान हैज़ थ्री इंडिकेटर लिमिट क्रॉस, मतलब तीन से ज़्यादा मैं इंडिकेटर फ्री वर्जन में यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है गाइस, ये ऐसा बोल रहा है। देन मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है, यहाँ से सारे काट देंगे हम। तो यहाँ से सिंपल करना है, ये जाना है, यहाँ पे जाना है और आपने इस पे क्लिक करना है इंडिकेटर में, और यहाँ पे लिखना है गाइस मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखेंगे, थोड़ा ये स्क्रॉल डाउन करेंगे गाइस, तो यहाँ पे गाइस ये देखिए जो 1222 नंबर है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप 50, 100, 200 मूविंग एवरेज एक में ही यूज कर सकते हैं। तो इस पे हमने क्लिक कर देना है, यहाँ पे इसको फेवरेट कर लो और इसके बाद एक हम और यूज कर लेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट हमने यूज किया, यहाँ पे ये देखो 50 मूविंग एवरेज भी आ गया हमारे पास, 100 भी आ गया, 200 भी आ गया, और नीचे जो एक EM में और आ गया हमारे पास, ये देखिए। तो ये हमारे पास कितने हो गए, चार इंडिकेटर हो गए, ठीक है। और बट ट्रेडिंग व्यू से दो काउंट कर रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि ये जो लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई होती है वो ट्रेडिंग व्यू में डाली होती है अपनी, तो उसमें इन्होंने इंडिकेटर के टाइप्स, मतलब सारे इंडिकेटर एक में डाले होते हैं। जैसे अब हमने 50, 100 और 200, ये हमें एक साथ मिल गया, उसके बाद हमने एक मूविंग एवरेज और मिल गया, इसके बाद हम एक और यूज़ कर लेते हैं RSI, ठीक है। RSI की भी ज़रूरत होती है ना हमें प्राइस एक्शन के लिए, तो ये हमारे पास RSI भी आ गया। तो हमारे पास कितने इंडिकेटर आ गए, पांच इंडिकेटर आ गए। तो ये जो 9 ही है इसको हम, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं, और यहाँ पे स्टाइल पे जाके इसको हम कर देंगे रेड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, 50 हो गया हमारे पास, 100 हो गया, 200 हो गया और 20 EM में हो गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप टाइमिंग जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप, ये देखिए गाइस
चार इंडिकेटर हो गए, ये देखिए। ठीक है गाइज, तो जैसा प्राइस एक्शन के लिए 50, 100, 200 और 20 ये में हमारे लिए इनसफिशेंस है, मतलब इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और इसके अलावा गाइज यहाँ से अब हम इसको काट देंगे, फिर इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज, फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा है गाइस चार मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने 20 भी लगाया था ना गाइस, 20 EMA, ये देखिए 20 अलग से लगाया था ना, तो ये देखिए 20, 50, 100, 200। ओके गाइस, यहाँ पे चार जो हमने EMA लगाए थे पहले 20, 50, 100 और 200, अब वो चारों भी एक साथ में आ गए, मतलब हम हमारे पास कितने इंडिकेटर हो गए स्क्रीन पे, पांच हो गए, तो हम एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा और लगा लेता हूँ, ये देखिए एक EMA और आ गया, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, छः इंडिकेटर हो गए गाइस, छः इंडिकेटर। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, जो भी मतलब लोगों ने ये स्क्रिप्ट बनाई है मैं उनका धन्यवाद करूँगा गाइस। और वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है गाइस, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइस एक बात और, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में आठ चार्ट लगाने हैं, छः से ज़्यादा चार्ट लगाने हैं, आठ चार्ट लगाने हैं, तो उसका लिंक नीचे है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी मैंने जुगाड़ से किया है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें यार, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है गाइस, और थैंक यू गाइस, थैंक यू।